लड़की को उठाते ही तू यहाँ चला आया, अब तेरा बाप भी यहाँ पहुँचेगा। बाप बेटे ने मिलकर मेरे छोटे को टपकाया, अब तुम लोग मुझे टपकाना चाहते हो? आजा, आना। जब तूने मेरे भैया को मारा तभी मैं तुझे मार सकता था, और आज ये नौबत ही नहीं आती। मैं तुझे कुत्ते की मौत मारता, लेकिन खून के बदले खून बहाना मैं नहीं मानता। मैं शांति से जीना चाहता हूँ, छोड़ उसे। मेरे वार के सामने आत्माएं भी कांपती हैं, और तू मेरे सामने जिंदा के खड़ा है। उसकी शक्ल में जो भी आएगा मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बसंत, उसके टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा दो। काम करो, उधर जाओ। आजा, आ, तू अपने बड़े बेटे की मौत नजदीक से नहीं देख पाया, लेकिन इसकी मौत तो जरूर देख पाएगा। आजा, ए, तू हमारे बेटे के पीठ में वार करके मार दिया बोल रहा है? तू सचमुच का मर्द है तो इका साथ लड़के दिखा। ले पकड़, इका मार के इके टुकड़े टुकड़े का डाल। इसकी लाश को ले जाकर अपने बिटुआ को भेंट चढ़ाऊंगा। हाँ?
तुम्हें अपने बेटे का खून का बदला लेना है इससे, और वो अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहता है। लेकिन मैं जो जिंदगी भैया जीना चाहते थे वो मैं जीना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी बाप अपने बेटे को खूनी नहीं बनाना चाहेगा, लेकिन तुम मुझे खूनी बनाना चाहते हो। मैं मरने से नहीं डरता हूँ, लेकिन खून के बदले खून बहाना जिंदगी नहीं कहलाती है। हकीकत की जिंदगी अलग है, और मैं वही जीना चाहता हूँ। मेरी बात सुनो, अपनी जिद के कारण तुमने भैया की जान ले ली। जब अपनी औलाद ठीक से नहीं पाल सकते तो हमारी औलाद कैसे पालोगे? एक बार हथियार नीचे डाल के देखो, जिंदगी हसीन लगेगी।